हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रफेश सिंह प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ 376 का केस हो गया है या फिर आपके खिलाफ 376 का केस होने वाला है, या आपको डर है कि आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई साजिश की जा रही है और आपको 376 जैसे मामलों में फंसाए जाने की आशंका है, तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको बता दें कि 376 का जो केस है, आजकल देखने को ये मिलता है कि 376 को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अलग अलग माननीय हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि 376 का दुरुपयोग हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर 498A का दुरुपयोग हो रहा है, 3/4 डीपी एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहने का ये मतलब 376 की घटना या 376 का अपराध वास्तव में अगर किसी भी पीड़िता के साथ हुआ है, किसी भी महिला के साथ हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात है उसको फांसी पे लटका दो। मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मेरे यूट्यूब चैनल को कोई टेंशन है, और ना मैं अभियुक्त पक्ष का पक्षधर हूँ। सवाल ये है कि जो मैंने बताया कि झूठे मुकदमे, फर्जी केस अगर किसी व्यक्ति पे लगाए गए हों या कोशिश की जा रही, तो मैं उसके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा होने वाला है या हो चुका है, तो ध्यान रखें, पहला तो ये समझें कि जब आप जेल नहीं गए हैं और आपके ऊपर 376 का केस हो गया, तो देखिए अगर आप जेल नहीं गए हैं, 376 का केस हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप सेशन कोर्ट जाएं, एंटीसेप्टिक बेल फाइल करें। भाई हो सकता है एंटीसेप्टिक बेल की सुनवाई तक में आपको जेल हो जाए, फिर आप हाई कोर्ट एंटीसेप्टिक बेल फाइल करेंगे, भाई वहाँ भी कुछ समय लगेगा। अगर इससे भी तेज तरीके से काम चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका ये है सीधे हाई कोर्ट में, जो भी आपका हाई कोर्ट है, जैसे कि हम मान इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं, तो जहाँ जिसका ज्यूरिडिक्शन है, जो भी व्यक्ति जिस राज्य का है, हाई कोर्ट में जाए, क्रिमिनल रिट फाइल करें। FIR क्वेश्चन की बात कहेंगे, लेकिन FIR क्वेश्चन नहीं होगी, तो हो सकता है नो कोर्सिव ऑर्डर या फिर अरेस्ट स्टे तो मिल ही जाता है। अगर अरेस्ट स्टे मिल भी जाता है, अरेस्ट स्टे भी मिल गया, तो फिर आपको राहत ही हो गई, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपकी गिरफ्तारी नहीं होने वाली। तो कहने का ये मतलब हाई कोर्ट से तत्काल लाभ मिलेगा। अब दूसरा ये कि अगर आप जेल चले गए, 376 का केस हुआ और आप जेल चले गए, दूसरी कंडीशन, अगर जेल चले गए, तो आप जब कचहरी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, सेशन न्यायालय जाएंगे, तो कोई भी अधिवक्ता महोदय ये नहीं कहेंगे भैया यहाँ से बिल खारिज हो जाए, लेकिन आप ये जाने रहे, मैं क्षमा चाहता हूँ अधिवक्ता बंधुओं से। अभी हाल ही का मामला है, यहाँ तो स्थिति यह है, एक अधिवक्ता भाई उन यादव जी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनकी हालत ये थी कि हमसे उन्होंने बात करी कि भाई हमने ही दे दिया उनको काम, कि भाई ये है काम, आप कर लीजिए, इस व्यक्ति का है, अदर स्टेट की पीड़िता महिला थी, 376 का हालांकि केस नहीं था, उसके आदमी जेल गए थे, 420 का केस था। सोचिए उन वकील साहब ने उनसे बात जो भी करी, जितने पैसे मुझसे ज़्यादा पैसे भी ले लिए, बाद में बातचीत करना बंद कर दिया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये क्या तरीका है? ऐसी वकालत जो करते हैं लोग, वो जाहिर सी बात है 2-4 दिन के वकील होते हैं, वो ज़िंदगी भर वकालत नहीं कर सकते, ना कभी वो नाम कमा सकते हैं और ना ही कभी पैसा कमा सकते हैं। एक न एक दिन वो ऐसी कंडीशन में पहुंचेंगे कि वो चाय तक अपने खरीद के नहीं पी पाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी अधिवक्ता की बेइज्जती के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो आप टॉपिक पर आते हैं, अगर 376 का केस हो गया और आप जेल चले गए, कोई कितना भी कहे कि आपकी बेल सेशन से, हाँ ये नहीं है कि नहीं होगी, 1,000 केसों में 1,000 बेल सेशन से होती है, 376 की नहीं, तो फिर 376 की बेल सेशन कोर्ट से नहीं होगी। जब नहीं होगी, तो फिर सीधे आप जब जेल में हैं, 376 की बेल आप सेशन डालिए, जब वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, तो FIR की सर्टिफाई कॉपी ले लीजिए,
वो रिजेक्शन ऑर्डर की सर्टिफाई कॉपी ले लीजिए, सीधे हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट से ही आपकी बेल होगी। किन कंडीशंस पे होगी ये भी ध्यान रखें, हमारे नए अधिवक्ता बंधुओं को भी ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई कैसे जाने की बेल हो ही जाएगी। 376 की FIR ले लीजिए, 161 का बयान, 164 का बयान, फिर मेडिकल, चारों में देखिए कि क्या एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। मैं मतलब ये कि 161 164 का समर्थन कर रहा है, 164 FIR का समर्थन कर रहा है, FIR जो है मेडिकल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आसानी से बेल हो जाएगी। अब एक सवाल और होता है कि मान लेते हैं आपके खिलाफ FIR हुई नहीं है, हो सकता है हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक एप्लीकेशन आप दीजिए, नामजद मत दीजिए, अज्ञात में दीजिए कि आपके खिलाफ़ ऐसी ऐसी साजिश रची जा रही है या आपको ऐसी ऐसी धमकी मिल रही है, तो 100% आपको लाभ मिलेगा। अब एक सवाल यहाँ और बनता है कि क्या हमने कोई एप्लीकेशन दे दिया तो पता चला उधर से FIR नहीं होने वाला था तो और ज़्यादा धारा में हो गया तब, तो इसके लिए क्या है कि आप अज्ञात में दे रहे हैं, किसी के नाम से थोड़ी दे रहे हैं कि भाई वो आप पे और क्रोधित हो जाए। अब कोई प्रश्न और अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से फ़ोन कर लें, जानकारी ले लें। किसी भी तरह का कोई भी चार्ज YouTube चैनल या हमारे द्वारा नहीं लिया जाता। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।